हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय छत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पपेट शो नहीं, कोई मैजिक शो भी नहीं है, लेकिन यह है एक गॉस्पेल क्यूब जिसमें आपके लाइफ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है जिसे हम अनफोल्ड करते जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या है इसमें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्यूब एक रहस्यमयी और मजेदार क्यूब है जो डायरेक्टली आप और हम सभी के लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं सुंदर चित्र, इसका मतलब है जब परमेश्वर ने सुंदर पृथ्वी की रचना की तो उन्होंने जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं सुंदर पहाड़, नदी, झरने, पशु पक्षियों को बनाने के बाद मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने संतान के रूप में बनाया और मानव जाति को अच्छाई जैसे कि प्रेम, शांति, समृद्धि और उसके लिए आवश्यक आशीर्वाद के साथ बनाया। परमेश्वर ने उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, उत्पत्ति 1:28 पद। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण मनुष्य ने उन सभी आशीर्वाद को खो दिया जो प्रभु ने उसे दिए थे। वो पाप का दास बन गया। एक अच्छा संसार अंधकार, घृणा, बदला, दर्द और मृत्यु के साथ बुराई में बदल गया था। इस प्रकार मनुष्य पापी हो गया। इसीलिए आज हम संसार में चारों तरफ मनुष्य को पाप करते हुए देखते हैं, क्योंकि इस संसार पर अंधकार यानी शैतान का राज है, जिसकी वजह से आज हर घर में बीमारी, परेशानी, झगड़ा, हत्या, नफरत जैसी चीज आम बात हो गई है। बाइबल कहती है मनुष्य के पाप करने के कारण वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, अर्थात परमेश्वर से दूर हो गए हैं, रोमी अध्याय 3:23 पद। लेकिन मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो हमेशा परमात्मा की खोज में लगे रहने के कारण मनुष्य अपने तरीके से यानी अच्छे कर्म और अपने धार्मिक विधियों से परमेश्वर को खुश कर इस अंधकार से यानी नर्क से बचकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि पाप की सजा तो मृत्यु है। पाप किया तो सजा हर किसी को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आप प्रभु के अनमोल सृष्टि होने के कारण प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको अनंत जीवन का उपहार देना चाहते हैं, रोमी अध्याय 6:23 पद। पर अब समस्या ये है कि हमारा अच्छा कर्म और धर्म हमें इस पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरे, अर्थात बलि हुए, और अब जो कोई भी उनके बलिदान पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यदि आप पशु बलि में विश्वास करते हैं तो आपके लिए तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हर साल जिस प्रकार आप कोई पशु बलि देकर ये विश्वास करते हैं कि मेरा सारा पाप अब मिट गया तो आपको और बलिदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप यीशु के बलिदान पर विश्वास करेंगे तो, जिसने एक ही बार में सदा के लिए आपके सारे पाप धो दिए, ये है प्रेमी परमेश्वर का हम पापियों पर अनुग्रह। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, इफिसी 2:8-9 पद। यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, वो दफनाए गए और तीसरे दिन बाद शास्त्रों के मुताबिक मृतकों में से जी उठे। वो केफर्श यानी पत्रुस को और फिर 12 लोगों को दिखाई दिए। उसके बाद वो एक ही समय में 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिए, 1 कुरिन्थी 15:3-6 पद। इसीलिए यीशु मसीह ही वो जीवित खुदा है जिन्होंने मौत को भी हरा दिया, और बाइबल कहता है कि यदि वे जीवित ना हो उठते तो हमारा विश्वास बेकार होता। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिस पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे यानी महिमा रहित हो गए थे, अब प्रभु यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर आता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, अर्थात स्वर्ग नहीं जा सकता। यहाँ बाइबल ये भी कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पे और उनके बलिदान पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यूहन्ना 3:16 पद। विश्वास स्वर्ग में प्रभु के साथ रहने के लिए एकमात्र रास्ता है। वो आपको बदल देगा, चाहे आपका अतीत या वर्तमान कितना भी बुरा क्यों ना हो। जिस क्षण आप अपने पापों से मन फिराकर सच्चा पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, क्योंकि जो कोई भी उन पर विश्वास कर उन्हें ग्रहण करता है परमेश्वर उन्हें अपना संतान होने का अधिकार देते हैं। है ना ये संसार की सबसे अद्भुत बात। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, आप उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं जो आपके पापों को क्षमा करने और आपको एक नया जीवन देने के लिए हमेशा तैयार है। वह आपके साथ रहेंगे और आपको एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने में मदद करेंगे। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वह अंत में हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा। अन्यथा यदि आप पाप जारी रखते हैं
अपने दिल और दुनिया के सुखों के अनुसार जीते हैं तो आपको अपने पापों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा और नर्क ही उसका अंत होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे समझदार व्यक्ति नर्क को चुनेंगे। इसलिए अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि अब मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको बस दो ही काम करने होंगे। धर्मशास्त्र कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। या तो आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है, कृपया मेरे दिल में आना। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ प्रभु। मुझे जिस तरह का इंसान बनाना चाहते हैं वैसा मुझे बना दे। और यदि आपने इन सारी बातों को सच में विश्वास किया है तो ये काम आपको आज ही यानी मरने से पहले करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है। अंत में यदि आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया और आप एक नया मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इन पांच जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, जो आप ये दिल देख रहे हैं इसका मतलब है परमेश्वर से प्रेम करें और साथ ही मनुष्य से प्रेम करें। यही हमारे प्रभु यीशु की सबसे प्राथमिक और महान आज्ञा। दूसरे नंबर पर आपको नियमित रूप से परमेश्वर से बातचीत करना पड़ेगा, यानी कि उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपको नियमित बाइबल पढ़ना पड़ेगा जिससे आप अपने सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को पहचान सके। जिस प्रकार यदि कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के बारे में हर डिटेल पता करते हैं कि उसका फेवरेट चीज़ क्या है, उसका पसंदीदा क्या है, हर चीज़ को वे याद कर लेते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमसे प्रेम करते हैं और अब हमें उनसे प्रेम करना है तो हमें भी प्रभु यीशु के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और उस नॉलेज के लिए आपको बाइबल अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे आपके बारे में हर डिटेल जानते हैं तो आपको भी उनके बारे में हर डिटेल जानने का पूरा हक है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको बाइबल अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तो चौथे नंबर पर आपको एक ऐसा चर्च जाना पड़ेगा जो बाइबल आधारित हो और आपको वहाँ पर जाके दोस्तों के साथ, मसीहियों के साथ सहभागिता करना पड़ेगा। और अंत में, जो आपने सीखा और जो सुसमाचार आपने सुना है वो अपने तक ही सीमित ना रखकर अन्य लोगों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि जो शुभ संदेश सुनकर आपका जीवन परिवर्तन हुआ है, प्रभु चाहते हैं कि अन्य लोगों का भी जीवन परिवर्तन हो और वो भी आशीष पाए। तो प्रभु चाहते हैं कि आप एक आशीषित जीवन जिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा गॉस्पेल क्यूब का रहस्य, जिसे हमने अनफोल्ड करके हर एक स्लाइड में आपको दिखाया और समझाया कि प्रभु यीशु आपसे कितने प्रेम करते हैं और वे कभी नहीं चाहते हैं कि हम उस अंधकारमय जगत में रहे और अंधकार के गुलाम बने बैठे। वे चाहते हैं कि हम सभी उस पापमय जगत से आज़ाद होकर उनके पास फिर से सदा के लिए उनके साथ रहे। तो अंत करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूले और घंटी को भी बजा देना मत भूले, ताकि सबसे पहले मेरा इसी प्रकार का गुड न्यूज़ आप तक पहुंचे और आप आशीषित हो सके और जो शुभ संदेश आपने सुना है अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।